आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं मोदक बनाने जा रही हूँ। मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और गैस भी ऑन है। तो अब सबसे पहले घी डालेंगे मेजरिंग कप से। इस कप से 1 कप घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इस कप से 1 कप बेसन डालेंगे। खुशबू आने तक बेसन को भूनेंगे। अभी घी इसमें कम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे भुनेगा बेसन तो घी इसमें से रिलीज होने लगेगा। लो टू मीडियम आंच पर बेसन को भूनेंगे, जिससे अच्छे से बेसन भुन जाए, कच्चापन ना रहे बेसन में। बेसन के मोदक बहुत टेस्टी बनते हैं और गणपति बप्पा को बहुत ही पसंद आता है। बेसन से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है, लेकिन अभी और थोड़ा भुनेंगे। देखिए बेसन भुन चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इस स्टेज पर डालेंगे दूध, आधा कप दूध है। और डालेंगे चीनी 1/2 कप मेजरिंग कप से और चलाएंगे। अब इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। आप केसर भी डाल सकती हैं दूध में भिगोकर, जिससे मोदक का कलर अच्छा आएगा। देखिए पैन छोड़ने लगा है, तैयार हो गया है। और थोड़ा सा हाथ में लेकर देखेंगे, इस तरह से गोलियां बनने लगेंगी। देखिए चिपक नहीं रहा है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर मोदक को बनाएंगे। मोदक में भरने के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 4-5 बादाम डालेंगे, 8-9 काजू हैं, 4 इलायची का बीज है, निकाल कर मैंने रख लिया था, और किशमिश। ये गुलकंद है 1 चम्मच, इसे भी डाल देंगे। दरदरा पीस लेंगे। देखिए दरदरा ही मैंने इनको बनाया है, ज़्यादा नहीं पीसना है। ये मावा है, इसको मिला देंगे। थोड़ा सॉफ्ट मिला देंगे 1 चम्मच। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा मिल्क पाउडर डालेंगे। चार चम्मच भर भर कर डाला है मैंने, और इसे मिलाएंगे। फिलिंग हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी गोलियां बनाएंगे छोटी छोटी। हाथ में घी लगाएंगे, इस तरह से गोलियों को बनाकर रख लेंगे। मोल्ड में इस तरह से घी लगा देंगे। अब इसमें इस तरह से
ये जो मैंने फिलिंग की बॉल्स बना कर रखी है ना, इसको इस तरह इस पर भर देंगे। इस तरह से बनाएंगे, दूसरा भी इसी तरह से भरेंगे। और इसी तरह सारे मोदक को बना लूँगी। चलिए, मोदक सौंफ डालकर बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है और बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। इस तरह से सौंफ को डाल देंगे। अब फिलिंग को भरकर मोल्ड को दबा देंगे। बहुत ही झटपट बन जाता है। इस उत्सव आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके मोदक कैसे बने। देखिए हमारे मोदक कितने अच्छे बने हैं, उतना ही लाजवाब इसका टेस्ट होगा। यकीन मानिए, मोदक के अंदर जो मैंने फिलिंग भरी है बहुत ही टेस्टी होती है। गुलकंद का अलग ही टेस्ट आता है इसका, और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जितना देखने में ये सुंदर लग रहा है, खाने में भी टेस्टी होता है, बड़े आराम से बन जाता है। इस तरह सारे मोदक को बना लूँगी। चलिए अब आपको बिना मोल्ड का बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से इस तरह से भी आप बना सकती हैं मोदक। इसी तरह सारे मोदक को बना लूँगी। इस गणेश चतुर्थी पर इस तरह से मोदक बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।